हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी एज जैसे ही 30 क्रॉस होती है, हमें एक चीज की प्रॉब्लम सताने लगती है और वो है अपने स्किन पे फाइन लाइंस का आ जाना, या अगर नहीं भी आई हैं तो उनसे एटलीस्ट हमें प्रिवेंशन चाहिए होता है। 30-35 की एज में तो हमारी इस पोर्शन में लाइंस आना स्टार्ट हो जाती है, अगर हम केयर ना करें तो हमारे माउथ के आसपास फाइन लाइंस दिखने लगती हैं, स्किन जो है धीरे धीरे सैगिंग हो जाती है, मतलब लूज होने लग जाती है। आईलिड्स जो है इस पोर्शन में ये सैगिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहां से आपको लगेगा कि स्किन लटक रही है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करूंगी जो कि बहुत ही बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। इसमें मैंने ऐसी चीजें मिक्स की हैं जो आपकी स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच हैं, और ये सब चीजें हमारी स्किन को लूज होने से बचाती हैं। आपकी एज 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है या फिर 50 साल है, अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस हैं, झुर्रियां हैं, या फिर आपकी ढीली लटकती स्किन है जिसको आप रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप आजमाइए ये फेस पैक। ये बहुत मिराकुलस रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं। अगर आप इसको हफ्ते में एक बार भी कर लेते हैं तो आप महीने दो महीने में अपनी स्किन पे कसाव फील करेंगे। वाकई बहुत बढ़िया पैक है, सभी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है, लेकिन एक ऐसी चीज जिसमें मैं इंक्लूड करूंगी वो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करेगी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। ये देखिए, ये आप पैक देख सकते हैं कितना जेल बेस्ड एक पैक बना है। ये आपको लग रहा होगा कि कोई स्टिकी सी चीज है बनाना वगैरह, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। ये पैक एक्चुअली बना है फ्लैक्सीड पाउडर से। ये देखिए, ये होते हैं फ्लैक्सीड्स यानी अलसी के दाने। बहुत इजीली और बहुत ही सस्ते या आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इनको खाया भी बहुत अच्छे से जाता है, तो ये आप जरूर ले लें। और उसके साथ आप 1 से 1.5 चम्मच ये फ्लैक्सीड लेके उनका पाउडर बना लें। इस तरह से ये पाउडर बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही महीन पाउडर बन जाएगा बहुत इजीली। लेकिन अगर आपको इनको खाने के लिए यूज करना है तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप वो भी जरूर देखिएगा। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। आप चेहरे, बालों और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं छोटे छोटे दानों से। मैंने लिया 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के दानों का पाउडर। साथ में इसमें मैं ऐड करूंगी रोज वाटर। रोज वाटर आपको इतना ऐड करना है जिसमें कि ये अच्छे से घुल जाए, और इनका जो जेल होता है, एक्चुअली इनके ऊपर एक बहुत ही चिकनी चिकनी सी परत होती है, वो जो है अगर जब भी आप इनको पानी में सोक करें या पानी में बॉयल करें तो वो जो चिकनाहट है ना वो अलग हो जाती है, वो ही बहुत बढ़िया काम करता है। तो अभी मैं इसको रोज वाटर में इसीलिए सोक कर रही हूँ कि इसका जो जेल होगा वो बिल्कुल निकल आएगा और ये चिकना सा पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। आपको इसको इस तरह सोक करके हार्डली 1 या 2 मिनट रखना है और बस ये इसका जेल जो है वो पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सी फॉर्म में आ गया है, और यही चीज हमको चाहिए जो कि ये जो इसकी स्टिकीनेस है चेहरे को टाइट करने के लिए बहुत बढ़िया काम करेगी। चेहरे के लिए वरदान का काम करते हैं फ्लैक्स सीड्स, अगर आप इनको रेगुलर यूज करें तो। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा भी आप सबको पता है, कई सारी मैंने अपनी रेमेडीज में यूज करती हूँ, ये भी स्किन को टाइट करने का बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में ऐड कीजिए हनी। जितनी भी एंटी एजिंग हम लोग चीजें यूज करते हैं उसमें मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एंटी एजिंग की जरूरत ज्यादातर देखा गया है ड्राई स्किन वालों को पड़ती है। तो आप हनी यूज कीजिए, लेकिन अगर आपका नॉर्मल स्किन भी है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ऑयली है तब भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से आप इसको मिक्स कीजिए, थोड़ा सा रोज वाटर और आपको लगे ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, पानी ऐड मत करिएगा। और इसको आपको ये धीरे धीरे आपको लगेगा कि थिक हो रहा है, वो थिक होगा क्योंकि एक तो वो जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी उसमें है और दूसरा चावल का आटा है। तो थोड़ा सा आप इसमें रोज वाटर ज्यादा ऐड करेंगे तो आपको ये एक बढ़िया फाइन कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनकर मिल जाएगा जो कि लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा मास्क की तरह। और देखिए, मुझे लग रहा है कि जरूरत है तो मैं रोज वाटर और ऐड कर रही हूं। अगर आप इसको हफ्ते में एक बार भी यूज करते हैं तो वाकई आपकी स्किन पे टाइटनेस आएगी, आपकी स्किन की झुर्रियां पूरी तरह से खत्म होगी, स्किन ब्राइट होगी।
अब मैं अपने फेस से आपको ये मेकअप रिमूव करके दिखाती हूँ। मैंने एक वेट टिश्यू लिया है, वैसे तो मेकअप कुछ है नहीं, सिर्फ काजल और लिपस्टिक ही है, पर उसको भी मैं रिमूव करके दिखाती हूँ। आज मैं आपको कंप्लीट 3 स्टेप में ये बताऊंगी कि कैसे आपको करना है, आपके फेस पे मेकअप हो या ना हो, पर आप फिर भी एक बार कोई भी पैक लगाते हैं तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल से मसाज जरूर किया करें, इससे कि जो आपके पोर्स हैं वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे। अदरवाइज जो पैक होता है वो पोर्स में क्लॉक हो जाता है, जिस वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसको क्लॉग होने से बचाने के लिए आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लें अपने हाथ पे, नेचुरल एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं प्लांट वाला, और उसको अच्छे से मसाज करें हार्डली 1 मिनट तक। और मसाज करने के बाद आप इसको वेट टिश्यू से या फिर ड्राई टिश्यू से या फिर गीले कपड़े से किसी भी तरह से इसको पोंछ दीजिए। इससे आपकी जितना भी एक तो मेकअप होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। अभी मैं आपको काजल भी इससे हटाकर दिखाती हूँ, क्योंकि वैसे अगर हम जो भी मेकअप रिमूवर लेते हैं उन सब में केमिकल बेस्ड होते हैं, तो आप एलोवेरा जेल यूज कीजिए, नेचुरल है और आपकी स्किन को हार्म भी नहीं होगा। ये देखिए, मैं आपको काजल हटा के दिखाती हूँ। आप लाइनर भी इससे रिमूव कर सकते हैं, मस्कारा भी इससे रिमूव हो जाता है बहुत आसानी से। और अगर आपका बहुत ज्यादा ड्राई स्किन भी है तो आप नारियल का तेल भी इस प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। देखिए, अब चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया। अब इसके बाद हम पैक अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये जेल बेस्ड पैक है और इसको अप्लाई करना है। धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम अप्लाई कर लेते हैं। इसको आप अपने चेहरे पे जिस तरह से नॉर्मल कोई भी मास्क अप्लाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से अप्लाई करें। आप इसको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट छोड़िए, और ज्यादा आपको इसको ड्राई नहीं होने देना है, बिल्कुल सुखाना नहीं है इस पैक को। कोई भी पैक जब भी आप लगाते हैं उसको सुखाया ना करें। अगर आप उसको बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई कर देते हैं, इतना ड्राई कि वो पानी से भी हट नहीं रहा है, तो फिर उससे भी आपकी स्किन बहुत ज्यादा और ड्राई होके रिंकल्स देती है। इसलिए सेमी ड्राई जब आपका पैक हो जाए तभी उसको आप रब करके हटा दें, और नेक पोर्शन पे भी जरूर लगाइएगा, फाइन लाइंस वहां पे भी आती हैं, और इसको आप अच्छे से अप्लाई करें। ये पैक जो आज मैं आपके साथ पूरा ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ, सर्दी गर्मी आप इसको कभी भी कर सकते हैं, कोई भी स्किन टाइप के कर सकते हैं। ना सिर्फ आपकी झुर्रियां हटाएगा बल्कि आपकी स्किन के लिए लाइटनिंग एजेंट का बहुत अच्छा काम करेगा। जिनको हल्की फुल्की झाइयां हैं वो भी हटाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी करेगा। ये देखिए, पैक मैंने लगा लिया, इसको 10-15 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए, पैक जो है सेमी ड्राई हो गया है। अब इसको आप रब करिए, इतना ही रखिएगा जिससे कि ये रब किया जा सके। बाद में आप इसको रब करें और इस तरह से ये हटता चला जाएगा। और रब करने से क्या है, आपकी स्किन थोड़ा एक्सफोलिएट भी हो जाएगी, क्योंकि चावल का आटा है तो एक माइल्ड सा स्क्रब भी हो जाएगा। और इसको इस तरह से आप आधे मिनट तक रब करें, उसके बाद नॉर्मल पानी से चेहरे को वॉश कर दीजिए। बस इतना सा काम करना था ये हमें, लेकिन रगड़िएगा जरूर, क्योंकि ये रब करने से क्या होता है कि जितने भी आपके स्किन पे डेड स्किन होगा, कोई भी ब्लैकेड वाइटेड होंगे, वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। और अभी तो मौसम थोड़ा भी ठंड का चल रहा है तो बहुत जरूरी है। ये देखिए, मैंने पैक धो लिया। अब आप देख सकते हैं चेहरा कितना सॉफ्ट और एकदम स्किन जो है सपल फील हो रही है, स्किन आपको टाइट फील होगी। आप इसको रेगुलर यूज कीजिए, बाकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए, अब आपको एक और चीज बताती हूँ। अब आप लीजिए एक विटामिन ई कैप, अगर आपका ड्राई स्किन है तो सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल, ऑयली है तो साथ में एलोवेरा जेल भी ले लीजिएगा। थोड़ा सा एक बूंद विटामिन ई कैप्सूल का आपको लेना है अगर आपका ड्राई स्किन है तो। साथ में ऐड कीजिए थोड़ा सा अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल, ड्राई है तो मत करिएगा। अच्छे से मिक्स करिए। जैसे मिक्स करेंगे ना तो आप देखेंगे कि एक क्रीम बन जाएगा, बिल्कुल व्हाइट सा क्रीम बन के रेडी हो जाएगा। इसको जरूर अप्लाई कीजिए अपनी आंखों के आसपास, फोरहेड पर, क्योंकि विटामिन ई आपकी आंखों के आसपास जो झुर्रियां पड़ गई हैं, माथे पे फाइन लाइंस पड़ गई हैं, उनको हटाने का काम करेगा। अगर आपको लगता है कि कई लोगों को विटामिन ई कैप्सूल बहुत स्टिकी लगता है, बहुत अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो आप बादाम का तेल भी यूज कर सकते हैं, वो भी आप यूज कीजिए। अभी रिसेंटली मैंने बादाम का भी एक तेल का वीडियो आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से उसको यूज करना है, वो देखिए आप, बाकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उससे भी। एज अ नाइट क्रीम आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो विटामिन ई ऑयल और एलोवेरा जेल को यूज कीजिए, चाहे तो बादाम तेल को यूज कीजिए, पर अच्छे से मसाज जरूर करिएगा, जैसे कि मैं कर रही हूं, फोरहेड पर, आंखों के आसपास, लिप्स
लिप्स के आसपास जहां पे भी आपको लगता है कि झुर्रियां आने का इश्यू हो सकता है, एक बार चेहरे को थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हुए मसाज कर लीजिए। डेली रात को ऐसा करेंगे ना तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना फाइन लाइन्स की, वो ठीक हो जाएगी। नेक पे भी जरूर करिएगा, वहां पे फाइन लाइन्स बनने लगती है। बस अब ये हो गया, इसको इसी तरह से छोड़ के आप रात को बहुत इजिली सो सकते हैं और अगले दिन चेहरा वॉश कीजिएगा। बस हो गया। तो कैसा लगा आपको ये एंटी एजिंग फेस पैक? इसको यूज कीजिए, उसके बाद अपने रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी एज मैं फिर बता रही हूं, अगर आपकी एज 25-30 साल भी है और आपको लगता है कि आपकी स्किन ढीली पड़ रही है, लटक रही है या चेहरे पे पहले जैसा निखार नहीं रहा, बिल्कुल आपकी स्किन जो है बूढ़ी लगने लग गई है, तब भी आप इस पैक को यूज कर सकते हैं। आप किसी भी एज की हैं, अगर आपकी स्किन को एंटी एजिंग कुछ बढ़िया सा देना चाहते हैं तो ये पैक जरूर यूज कीजिए। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो, टॉपिक हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, वो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय।